सुधाना की कुटिया में कृष्ण को चाहते आज पहली बार देखा है बेटा, पहली बार। तुम्हें बात पक्की समझू, कल सीधा बेटी को लेकर मेरे घर आप जरूर आ जाइएगा। जब तक तुझे फटके नहीं पड़ेंगे तेरे जवानी के झटके खत्म नहीं होंगे। अरे फट। तुझे बाद में देख लूंगा बच्चे, जवानी के झटके। हाँ हाँ, तेरा ये जन्म मेरे ही झटके देखने के लिए हुआ है। देखे जा, देखे जा। तुझे होश में लाने के लिए काफी है। ये आपकी बेटी है? हाँ बेटे। मुझे ये शादी मंजूर है। ये तुम्हारे थप्पड़ का जवाब है। अब जिंदगी भर इस घर की चार दीवारी में सड़ती रहो। बस आज तक मैंने चुपचाप आपके सारे अत्याचार सहे हैं, लेकिन अपने दादा पर लगाए गए झूठे इल्जाम सह नहीं पाऊंगी। चुड़ैल, हमें अंधा समझती है? हमें आंखें दिखाती है? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। क्या करेगी अपने आप को? अरे अरे, शांति, भगवान की खातिर मत मारो उसे, छोड़ दो उसे। शांति, भगवान कभी कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। मैंने जानबूझकर तुम्हें नरक की खाई में धकेला, मुझे माफ कर देना बेटा। मुझे मुझे माफ कर देना बेटी, मुझे माफ कर देना बेटी, मुझे। मेरी सारी संपत्ति मैंने अपनी मेहनत से कमाई है, इसलिए उसका बंटवारा मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा अपने स्वर्गवासी भाई के बेटे अमर के नाम करता हूँ और आधी प्रॉपर्टी अपनी बहू सीता के नाम करता हूँ। अगर सारी जायदाद वापस चाहती हो तो उन दोनों को दूध की मक्खी की तरह निकाल बाहर फेंकना होगा। हा? लेकिन कैसे? वो तुम मुझको छोड़ दो। कोई ना कोई गिरी हुई हरकत जरूर करेंगे। आज तक मैं हर जुल्म चुपचाप रहती रही, लेकिन अब मैं सीता से दुर्गा बनूंगी, एक से गिन गिन कर बदला लूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं। कितनी खूबसूरत है, इनसे पूछो ये सारे जेवरात की कीमत क्या है? अपनी औकात भगोए। अजी, इन सब जेवरातों की कीमत सिर्फ 25 लाख है। हम 30 लाख देंगे। बताओ। मेरे 35 लाख। 40। 45 लाख। 50 लाख। अब बोलो। 50 लाख। हजार। 50 लाख एक।
50 में पैसे होंगे इसके पास? 50 लाख के नगद राम जी, पे इन कैश और ये सारे ज्वेलरी कलकत्ता हाउस पहुंचा दो। जाओ जी मैडम जी, हो जाए। वेलकम। ये कामिनी देवी का चेहरा सीता जैसे नहीं लगता? अरे ओ बहना, कहाँ जले हुए मुर्दों को झटके देकर जिंदा कर रही हो? ए मिस्टर, ये बिजली है या बला, कुछ बता सकते हो? हजूर, ये करोड़पति सेठ करोड़ी मल की इकलौती कुंवारी कन्या है। बिजनेस टूर के लिए आती है। इनकी कंपनी के शेयर खरीदने के लिए लोग बेचैन रहते हैं। यार राकेश, हुस्न और दौलत का संगम पहली बार देखा है। तेरी जवानी के झटके, इधर आ। हुस्न को भूल जा, इसकी दौलत के बारे में सोच। अगर ये पट गई तो वारे न्यारे हो जाएंगे, समझ गया ना मेरे रोमियो? अगर आपको मैडम के साथ बिजनेस करना है तो इसका थोड़ा वजन बढ़ाओ। जाओ। 10 लाख खड़े हो गए, खड़े। और जी 5 लाख तुम्हारे और 5 लाख मुनाफे के। थैंक यू। तुम लोगों ने तेल के कुएं में 5 लाख की पूंजी डाली और मैंने तेल के कुएं से 5 लाख का मुनाफा निकाल लिया। बांट लो। आज मैंने उली के फार्मूले से उन्हें अपने शीशे में उतारने का एक नया प्लान बनाया है। मगर दोबारा उन्होंने पैसे नहीं लगाए तो? अरे कैसे नहीं लगाएंगे भाभी, मेरे पैसे नहीं, चुंबक है चुंबक, जो उन्हें खींच के ले आएंगे। 50 लाख? इतना पैसा हम लोग कहाँ से लाएंगे? बंगला है ना, उसको गिरवी रखवा दो, चंद दिनों की तो बात है। लेकिन वो तो प्रकाश की माँ के नाम है। वो तो माँ के अपने बेटे के फ्यूचर के लिए इतना भी नहीं कर सकती। शायद कर दे, लेकिन इतनी रकम इतनी जल्दी हमें देगा कौन? अरे मैं हूँ ना, मैं तारे को दूंगा पैसा। बंगले के पेपर रख जा और रोकड़ा ले जा, जा। अरे मेरी प्यारी बहना, ये कीना झटके वाली बात। चल बेटी चल, लेट्स गो। नगदराम जी ने मेरे घर पर कब्जा करने के लिए कोर्ट का हुक्मनामा भेजा है। उनसे जाकर बात करते हैं। प्रकाश, एक मिनट सुनो राकेश, मुझे तुमसे सीधा भाभी की मौत के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। वी हैव टू गो समवेयर। हाँ ठीक है, तुम जा सकते हो, ये नहीं। और लेकिन मुझसे क्या पूछना है कमाल? क्विक, ऐसा मत कीजिए प्लीज। प्लीज भाई साहब, मुझे मेरे घर से मत निकालिए, मैं कहाँ जाऊंगी? आई एम सॉरी शांति देवी, हम मजबूर हैं। चलो के बाद हमें बर्बाद करके अब नाटक करने चला है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अमर, तूने अपनी देवी जैसी पत्नी को ठुकराया। देवर भाभी के पवित्र रिश्ते को तूने बदनाम किया। प्रकाश, नारी की कोख से जन्म लेने वाला जब नारी कोई बेइज्जत करता है तो उससे सजा देना बहुत जरूरी हो जाता है। उठाकर बाहर फेंक देते। अमर, अमर ये बात ठीक नहीं है, अमर ये ठीक नहीं है, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं सड़क पर आ जाऊंगा, मुझ पर दया करो। तूने अपनी देवी जैसी पत्नी को ठुकराया। देवर भाभी के पवित्र रिश्ते को तूने बदनाम किया। प्रकाश, नारी की कोख से जन्म लेने वाला जब नारी कोई बेइज्जत करता है तो उससे सजा देना बहुत जरूरी हो जाता है। जब तक तुम दर बदर की ठोकरे नहीं खाओगे तुम्हें पता नहीं चलेगा कि घर क्या होता है और पत्नी क्या होती है, भाई क्या होता है और दवाई क्या होती है। कौन सीता भाभी? हाँ मैं सुधीर बोल रहा हूँ, प्रकाश का एक्सीडेंट हो गया। क्या? उनका एक्सीडेंट हो गया? हाँ, उन्होंने गहरी मार लगी है और बहुत सीरियस है। वो है कहाँ? नेशनल हॉस्पिटल में। मैं अभी आती हूँ। प्रकाश का एक्सीडेंट? भाभी तुम अब तक इन पर एतबार करती हो? अरे सब नाटकी लोग हैं, ये सब इनकी चाल। लगता है दूसरों के दिल का मैल साफ करते करते तुम्हारा दिल मैला हो गया है। ये फोन सुधीर भैया का था, आपको बचा लीजिए डॉक्टर साहब। जो भी हमारे बस में है हम जरूर करेंगे, आगे भगवान की मर्जी। बॉय चल। Thank you.
मैं कौन सा मुंह लेकर उसके सामने जाऊंगा। अरे पागल, भाभी तो महान है। भाभी आया। लेकिन तू कहाँ जा रहा है? थोड़ी देर रुक, भाभी आया। भाभी, प्रकाश, क्या बात है माँ? राकेश सीता को उठा कर ले गया है। कहाँ? ब्लैक टावर पे। जल्दी जा बेटे, और नाराज हो जाएगा। ब्लैक टावर। तू कलम चलाती है सीता रानी या मैं पिस्तौल चलाऊं? मैं साइन नहीं करूंगी। ये कानून के फटके तुम्हारे सारे जवानी के झटके मिटा देंगे। ये चेकबुक और प्रॉपर्टी के पेपर्स, मैंने इन पर साइन कर दिए। नहीं,